नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी भाषा की एक और अवधारणा के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब है उप जमा सर्ग। आइए देखते हैं उपसर्ग मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग शब्द नहीं वाक्यांश होते हैं जो शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। वाक्यांश का मतलब होता है शब्दों का एक समूह, सिर्फ उसमें एक शब्द नहीं होता, वो एक समूह के रूप में आ जाता है। उपसर्ग का शब्दों के साथ ही महत्व होता है, ये अलग से वाक्य में प्रयोग या प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर मूल शब्द दिए गए हैं, उनके आगे कुछ उपसर्ग लगाए गए हैं और बाद में उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया है। मुख्य रूप से जब उपसर्ग लगाए जाते हैं उसके बाद जो शब्द बनता है वो मूल शब्द से अलग होता है, उसका अर्थ बदल देता है। बहुत सारे उदाहरणों में आप देखेंगे कि वो उसका विलोम शब्द बन जाता है, बहुत सारों में आप देख सकते हैं कि वो एक नई ही शब्द के रूप में, नए शब्द के रूप में ही सामने आता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाया गया है हार। हार का मतलब होता है पराजय, पर उसके आगे अगर हमने उपसर्ग लगा दिया है और फिर हार लिख दिया है तो उसका मतलब उपहार बन गया है, जिसका मतलब होता है तोहफा या गिफ्ट, है ना, तोहफा। तोहफा या फिर गिफ्ट। दूसरा है खिला। खिला के आगे अध लगा दिया फिर बन गया अध खिला, ये इसका उल्टा बन गया। खिला का मतलब कोई फूल खिल गया था और अध खिला का मतलब जो आधा खिला हुआ है। यश, यश के आगे अप लगा दिया तो वो अपयश हो गया। यश का मतलब होता है ख्याति, अपयश का मतलब होता है बेइज्जती। वन, वन के आगे उप लगा दिया तो वो उपवन बन गया। वन जो होता है वो बहुत विशाल वृक्षों का समूह होता है, जहाँ पर बहुत विशाल वृक्ष होते हैं, और उपवन होता है जहाँ पर फूल, छोटे छोटे वृक्ष आदि पाए जाते हैं। ये है हमारे उपसर्ग के कुछ उदाहरण। हम मुख्य रूप से उपसर्ग पढ़ते हैं क्या है, देखते हैं आगे उपसर्ग क्या है। उपसर्ग का अर्थ, ऐसे वाक्यांश जो शब्दों से पूर्व या पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे शब्द दिया गया हमारा यहाँ पर अनुवाद। अनुवाद का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अर्थ व्यक्त करना, ट्रांसलेशन करना। इसमें उपसर्ग क्या है, अनु, और वाद क्या है हमारा मूल शब्द। वाद का मतलब ही होता है विवाद या कोई वाद विवाद वाली चीज़, ठीक है। तो हमारा उपसर्ग है अनु और मूल शब्द है हमारा वाद। आगे देखते हैं, उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं, यानी कि हिंदी भाषा में पांच प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, चौथा संस्कृत के उपसर्ग, और पांचवा जो हमने अंग्रेजी से अव्यय लिए हैं और संस्कृत से भी जो अव्यय लिए हैं। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे शब्द वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे वो स्त्रीलिंग के साथ हों, चाहे वो पुल्लिंग के साथ हों, आज के लिए प्रयोग हों या बीते हुए कल के लिए प्रयोग हों, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। देखते हैं एक एक करके इन उपसर्ग के प्रकारों को। पहला हमारा संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग मैं इसमें आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि उपसर्ग क्या है और उसका मुख्य अर्थ क्या होता है, उसके पीछे के आप शब्द जो हैं वो अपने आप बना सकते हैं या एक दो उदाहरण मैं आपको दे भी सकती हूँ। जैसे पहला हमारा उपसर्ग होगा और दूसरा उसका अर्थ। जैसे अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, ठीक है। अति, अति का मतलब होता है बहुत, तो हम कहते हैं जैसे उसका उदाहरण अति उत्तम, अत्यधिक, ये सब हमारे इसी से बनते हैं। आ तक, जैसे अजन्म, अजन्म, ठीक है। अब मतलब बुरा, जैसे अवगुण, ये शब्द। सम मतलब साथ,
यानी कि समकक्ष, सामाजिक या समसामायिक, जो शब्द थे, निर मतलब बिना, यानी कि निर्धन, जैसे धन के आगे अगर हम निर लगा देंगे तो निर्धन बन जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद है हमारा अनी, अनी का मतलब होता है बिना, सु मतलब अच्छा, जैसे सुकुमार, सुकुमार, सुलक्षणित या सुपुत्र, ये सब इससे बनते हैं। दुर का मतलब है बुरा, यानी कि दुराचार, दुरुपयोग, ये सब दुर से आने वाले, दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आगे देखते हैं हम, अब है हमारे हिंदी भाषा से प्रयोग होने वाले, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी के उपसर्ग हैं और यहाँ पर ये उपसर्ग लिखा है और ये अर्थ लिखा है, यानी कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे उपसर्ग और अर्थ है सेम, वो वहाँ पर लिखा हुआ है। आ मतलब नहीं, अध मतलब आधा, ये जैसे अध कचा, अध पका, आ मतलब नहीं, अन, आ मतलब नहीं है, तो जैसे हम किसी को कह देते हैं, जैसे हमारे शब्द होते हैं मूल रूप से आ से, अनजान, ये शब्द, जैसे अन मतलब भी नहीं होता है, कु मतलब बुरा, जैसे कुपुत्र, नी मतलब बिना, यानी कि जैसे निर्बाध, निर्विरोध, निरक्षर, ये सारे शब्द हमारे नी से आते हैं। बिन मतलब भी नहीं होता है, और आपका जो वी है, वी मतलब खास, यानी कि विशेष, जिससे उदाहरण बनता है विशेष। अप मतलब बुरा, जैसे अपमान। सा मतलब सहित, जैसे धन्यवाद सहित या सधन्यवाद हम इस्तेमाल करते हैं जो, ये शब्द। निर मतलब नहीं, निर्विरोध, निराकार, ये इससे आसे होता है अपक्व, जैसे अपक्व का मतलब होता है जो पका हुआ ना हो, यानी कि जो अभी बच्चा है या जिसे समझ नहीं है, तो ये शब्द उनसे प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं हम, हमारे उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग में जैसे यहाँ पर ये अर्थ है, ये अर्थ दिया गया और ये हमारे उपसर्ग दिए, जैसे कम मतलब थोड़ा, जैसे कम तर, कम बखत, दर मतलब में, ना मतलब नहीं, ना इलाज, ना लायक, वे मतलब बिना, जैसे बेसहारा, बेहया, बेलज्जा, खुश मतलब अच्छा, खुश मिजाज, खुशामदीद। उपसर्ग में गैर मतलब विपरीत, जैसे गैर जमानती, गैर कानूनी, ला मतलब बिना, यानी कि ला इलाज, बद मतलब बुरा, यानी कि बदतर, बदसूरत, हम मतलब साथ, हम सफ़र, ये सारे शब्द हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे संस्कृत के, आगे संस्कृत, क्योंकि हमारी मूल भाषा होती है और हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, तो हमने हिंदी के और हिंदी में संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, चाहे वो संस्कृत के अव्यय के रूप में हो, चाहे वो संस्कृत के मुख्य शब्दों के रूप में हो, या हमने उन्हें तत्सम और तद्भव के रूप में बदलकर प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से संस्कृत के कुछ अव्यय हैं जो कि हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से, जैसे अधि मतलब श्रेष्ठ, अध मतलब नीचा, अधपतित, ये इन शब्दों का प्रयोग आपको मुख्य रूप से जो आपके बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। अब मतलब बुरा या हीन, उप मतलब नज़दीक, जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उत मतलब ऊंचा, दुष मतलब बुरा या कठिन, यानी जैसे दुस्साहस, दुष्कर्म, ये सारे। निर मतलब रहित या निषेध, जो कि पहले भी, परा मतलब पीछे या पिछला, परी मतलब पूरा या आसपास, पुनर मतलब दोबारा, पुनर्जन्म, पुनर्वास, पुनरावृत्ति, ये सारे। सह मतलब साथ और स्व का मतलब अपना, जैसे स्व, स्वयं, स्वामित्व, ये सारे शब्द हैं हमारे। आगे हम देखते हैं अंग्रेजी के अव्यय, अंग्रेजी के अव्यय में हमने बहुत कम शब्द हैं हमारे, पर ये हम वो शब्द हैं जो अंग्रेजी के बिल्कुल उसी रूप में हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा चीफ, चीफ का मतलब होता है प्रधान, जैसे हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर या
चीफ गेस्ट, ये उनमें आता है। सब मतलब नीचे, सब ऑर्डिनेट, सब सब इंस्पेक्टर, डिप्टी मतलब सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी अधिकारी, ये सब जो शब्द हैं। जनरल मतलब प्रधान, जो कि सेना में होते हैं, मेजर जनरल वाले, वो वाले जनरल। वाइस मतलब भी सहायक होता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस वाइस चांसलर, ये सारे हमारे शब्द अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो अब ये ऐसे शब्द हैं जो कि शब्द के या किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अव्यय हमारे मुख्य रूप से पांच प्रकार के हैं, जिसमें पहला था हमारा संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के अव्यय। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।